अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत ठीक ठाक खुश नहीं। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप सब जानते हैं तो हाँ, जैसे मतलब जो पाकिस्तानी है ना, और वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। अच्छा यार, सीन ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टिकटॉक जैसी की बात है कि मतलब आप सबको पता है कि बैन है, तो जो टिकटॉकर थे वो किसी और प्लेटफॉर्म के गए और गाना हॉट शॉट्स का फ़ायदा उठाया और उसने हॉट शॉट्स अपना एक फीचर चेंज कर दिया, इसके इंस्टाग्राम ने रील्स किया। तो अभी आज हम जन्नत जुबैर की हॉट शॉट वीडियोज़, जो गाना हॉट शॉट वीडियोज़ है, उन पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो टिकटॉक पर नहीं अब कर रहे, उन्हीं की वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करें, उस पर करने लगे गाना हॉट शॉट्स वीडियोस जन्नत जुबैर। तो बिना टाइम वेस्ट के रिएक्शन कर लेते हैं स्टार्ट, और बाकी बातें बाद में। चलो एक्टिंग है। तो यार मुझे ये गाना सुन के एक चीज़ याद आ गई, मतलब मैं पढ़ता था ना जब स्कूल में, तो मेरे सर आए मेरे पास, मुझे कहते हैं यार गाना सुना है बड़ी मतलब मज़े का। तो मैंने कहा कौन सा, उन्होंने एक बताया, फिर ना मैंने कहा ये मैंने सुना हुआ है, ये मोहा नहीं ये नहीं था वो, मैंने कहा मैंने सुना हुआ है। तो फिर कहते हैं जाके गाना सुनना ये मोह के धागे। मैंने कहा अरे तुम शौकीन लगते हो, तुम जाके सुनना। फिर मैंने सुना आगे, अरे यार चस वाला गाना है। एटीट्यूड तो मेरे बीच में ही है जनाब, वो नहीं जाता। अच्छा मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, ये पीछे बादल आ रहे हैं और को फिल्टर टाइप कोई चीज़ है। हाय हाय ऑरेंज, इसमें भी पीछे बादल है, ऑरेंज सूट कर रहा है। मेरे मन में भी निकल गई चाहे लड़कियों का ठीक होता है, मतलब ऐसे की है बाल इस तरफ सारे आ गए, ऐसे की है इस तरफ आ गया, मुझे देख लो बाल बड़े हैं ना। ओम मरे बाल सही कर। ये सही है अमेरिकन ट्रेडिशनल। लुक कैसा गैंगस्टर टाइप और ऊपर से तितलियां। गाना वैसे मेरा फेवरेट है, बड़ा फेवरेट है। बड़ा ट्रेंड चला था पाकिस्तान में भी इस चीज़ का।
तो यार इतना स्मूथ स्लोमो उनका कैसे बन गया? बच्चे उनका आईफोन वाईफोन होता है आईफोन प्रो मैक्स टैक्स सारा होता है वो। अच्छा इस वीडियो में देखना जन्नत जन्नत मिर्जा जैसी नहीं लग रही थी। हाँ वही मैं देख रहा था वो जन्नत मिर्जा आईब्रोज उसकी देखना। हाँ लगाए होते हैं ये लगाए नहीं मैं जब वीडियो मतलब एडिट कर रहा था तो मैंने देखा था इसने फिल्टर लगाया आईब्रोज के ऊपर आईब्रोज। नहीं नहीं हाँ देखिए मैं बाद में दिखाऊंगा यार वो ब्लैक ब्लैक लगाते हैं ना वो फिर से बंद करती हूँ मैं भूल गया इसमें उसकी आंखें देख अजीब लग रही है इस तरह हमारी वो स्नैपचैट वाले फिल्टर पे लगती स्नैपचैट भी एक अजीम ऐप है आयान ज़ुबैर को कह रही बहुत कमेंट्स में वो भी स्लैप स्लैप बदतमीज औरत जनाब के जैसे कि आपको पता है कि उधर इंडिया में तो टिकटॉक बैन है काफी टाइम से ठीक है ना तो हॉटशॉट लेने का ये मकसद है कभी भी इंस्टाग्राम की रील्स भी ले सकते हैं जैसे रिश्वा खान की रील्स ली थी लेकिन इसकी मैंने रील्स देखी कोई इतनी ज्यादा अपलोड ही नहीं थी। अच्छा सीन मेरे साथ क्या हुआ मैं गाना हॉटशॉट पे पहले मुझे पता ही नहीं लगे कैसे डाउनलोड होती तो मैं किस तरह हाँ तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि जो फॉलोइंग में आ रही है वही डाउनलोड होगी प्रोफाइल में जाकर टिकटॉक जैसे डाउनलोड नहीं कर सकते। और इसमें मुझे एक और भी चीज़ टेंशन ले गई वो क्या ले गई कि मैं भी डाउनलोड करके मर्ज करनी देख नहीं था रहा मैं ठीक है ना क्योंकि मैं उस स्कूल में पक्का बंदा हूँ मैं पहले ये फर्स्ट टाइम ही देखी है बस मुझे ये लग रहा था कि बस ये डाउनलोड करी जो जनरल जुबैर है तो डाउनलोड करी। अच्छा जो इसमें सबसे बड़ा जो जिसने मुझे काफ़ी देर तक खींच के रखा वो क्या रखा कि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और जब एक हद तक डाउनलोड होगी तो देख रहा हूँ वही वीडियो वापस आ रही है अब प्रोफाइल में जाके कर नहीं सकता तो इधर से मैं कर रहा हूँ यार पता नहीं डाउनलोड नहीं हो रही मतलब नहीं आ नहीं रही वीडियोज़ करी जा रहा हूँ एंड में प्रोफाइल पे गया तो ले दे के उसने टोटल 25-20 वीडियोज़ अपलोड की हुई थी और मैं वही देख रहा हूँ कि इन 25 के अलावा कोई है बाद में देख रहा हूँ कि अपलोड ही इतनी है और आने के आधा घंटा मैं स्क्रॉल करता रहा कि कोई न्यू आए अच्छा वो फिल्टर जो मैं बता रहा हूँ धोखा दिया है मुझे सबसे पहले हमें मिला धोखा जैसे कल आपने बताया कल भी हुआ था कौन सा बोला परसों हुआ था अरिशफा खान रील्स कह के टिकटॉक हाँ उसने किया था रील्स कहकर हमें टिकटॉक चेप दी टिकटॉक चेप दी रिश्वा खान चलो कोई ना भेज दीजिए। अच्छा ये अभी जन्नत जुबैर की ये जो हॉटशॉट वीडियोस है इस पर मैंने एक चीज़ नोट की है कि मैं भी ये जो बटरफ्लाई इधर उधर आती जाती रहती है और ये जो आँखों पर मैं तुझे दिखाऊँगा बाद में वो एक फिल्टर है जिस पर ये जो आँखों की ये पलकें हैं ना इसी पलकों के ऊपर एक फिल्टरी मतलब एक वर्चुअल पलके और बनी हुई तो वो बड़ी अजीब सी लगती है जैसे कि हमारी वो स्नैपचैट वाले वो फिल्टर में लगती है
स्नैपचैट, हाँ वही उसी फील्ड में जैसे आँखें हो जाती है ना, तो उसी तरह की। तुम पहले मैं भी गौर किया, मैंने कहा शायद इसकी आँखें बड़ा अजीब सा मतलब फेस हुआ, फेस शेप चेंज हो जाती है जब आप पलके चेंज, तो मैं सोचूँ कि बड़ा अजीब सा सीन हुआ बड़ा, ये है क्या। बाद में गौर करने के बाद पता लगा कि ये सीन। तुझे कैसी लगी? अच्छा इसकी मुझे जो अभी मतलब जिस वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी वो है वो ब्लू ड्रेस वाली, और जिस वीडियो ने मतलब पूरी वीडियो की लाज रखी है ना वो है एंड वाली फैसू की वीडियो। हाय 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 हाय, वो पूरी मजा था, वो पूरा टाइम वो करके ना पॉज, उसके पास आ गई होगी वो टाइम मशीन यार, मतलब देखो टाइम वॉच। देखो टिकटॉक भी मतलब बैन हो गई है, तो फिर वैसे ही कोई फीचर निकल आया है, बड़े निकले हैं, बड़े निकले हैं गिमाशी के। अगर आप टक 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 टक, और अगर रियलिटी बयान करो ना तो टक टक टक, यहाँ पर एक निम्को खड़ा, निम्को टक टक, इधर एक निम्को मिलती, एक रुपए की एक मिलती है, तो इधर वो एक निम्को का नाम है, इतना सा पैकेट होता है। एक जमाने में अब्दुल्ला को पसंद आई थी तो पूरा पैकेट ले गया थे तुम यार। हाँ मेरा ये सीन है कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आती है ना तो फिर मैं एक दफ़ा खा खा के दिल भर लेता हूँ। मैं फिर इतना ले के आया पैकेट और रखा और खोल के खाएगा। वो एक दफ़ा एक इमली भी मुझे पसंद आ गई थी, एक छोटी सी 1 रुपए की, वो भी मिलती थी, और बड़ी पुरानी बात है इस उम्र में नहीं कह रहा, तो वो भी इतनी सी होती थी, इतना पैकेट होता था, वो नहीं थी वो गोल मसाला, हाँ इतना पैकेट था और सिर्फ इतनी सी येलो कलर का पैकेट, हाँ तो वो भी फिर मैं अच्छे खासे ला के रख के खा के एक दिन में जो है ना दिल भरा, फिर जाने दी यार। मतलब वीडियो मतलब इसे देख के ना, अगर आप वैसे ही मतलब बताऊं तो ऐसे लगता है जैसे कि टिकटॉक प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल में आते हैं, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हो ना वो थोड़े से प्रोफेशनल्स में आते हैं, हालांकि और भी टिकटॉकर अच्छे हैं, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी सीनियर टाइप लगती है, सीनियर लगती है, जिन्होंने फिर पहले टिकटॉक शुरू किया और पहले मशहूर हुए, फिर उनका तो अपना लेवल है ना। हाँ ये तो जैसे फैसू अभी सबसे सीनियर है, जो शुरू शुरू में मशहूर हो जाता है ना उसका एक कह लो कि अपना लेवल होता है, हाँ। और बाद में फिर जब ना लोग बहुत ज्यादा शुरू कर लेते हैं चीज़। हाँ एक कंपनी थी उसने मतलब एक बड़ा सीन रखा था, उन लोगों को नौकरी देगी जो मतलब उनका पेपर बड़ा कोड कूड कर करके मतलब एक जगह पहुंचेंगे जिधर एक QR कोड रखा होगा, तो जिन लोगों ने पहले करके QR कोड स्कैन करके वेबसाइट पे जाए और नौकरी ज्वाइन कर ली वो हो गया, और जिन्होंने बाद में किया तो उन्होंने लिखा कि हमें कामयाब होने वाले चाहिए थे, कामयाब लोगों का पीछा करने वाले नहीं। तो मैं बड़ा माइंड, तो यार अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप जन्नत ज़ुबैर के फ़ैन हो तो इस चैनल को वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पर कमेंट भी करना अपनी कीमती राय, हमें नेक्स्ट किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो भी बता दो, सांस ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।